हेलो फ्रेंड्स, लिविंग बीइंग के, लिविंग वर्ल्ड के हम इस सेकंड वीडियो में, व्हाट इज़ लिविंग में हम पढ़ने वाले हैं आगे। पहले वीडियो में मैंने आपको लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए हैं कि किनको हम लिविंग बोलते हैं, किनको नॉन लिविंग बोलते हैं। उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, व्हाट इज़ लिविंग के। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिविंग में ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थे अभी तक हमने देखा है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, जिनको हम लिविंग कहते हैं, क्योंकि वायरस को लिविंग नहीं कहते क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो जिनमें भी मेटाबॉलिज्म है वो सभी लिविंग कहलाते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में जो सिंथेसाइजिंग प्रोसेसेस हैं, है ना, जैसे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं, लिपिड सिंथेसाइज करते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करते हैं, है ना, डीएनए सिंथेसाइज करते हैं। तो जो भी चीज़ें हम बनाते हैं शरीर में वो एनाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। और जो ब्रेक डाउन प्रोसेस है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रेस्पायरेशन, है ना। रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं CO2 में, H2O में, और उससे हमको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा भी और भी बहुत कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जैसे हम प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं, या फिर इस टाइप का और भी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनको अगर ब्रेक करते हैं या किसी और भी केमिकल को हम ब्रेक करते हैं तो कैटाबॉलिज्म में आता है। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस मिलकर के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलाते हैं हमारे शरीर में। तो मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एटसेट्रा, आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज्ड इंटू सम अदर बायो मॉलिक्यूल्स। तो जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लगातार बदलते रहते हैं। वही मैंने अभी आपको बताया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है। केमिकल मॉलिक्यूल्स जो है चेंज होते रहते हैं, वो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। दीज कन्वर्शंस आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि thousands type के metabolic reactions हैं। मतलब मैंने अभी आपको गिने चुने कुछ metabolic reactions बताए हैं, लेकिन इस type के और भी हजारों metabolic reactions हैं जो breakdown और synthesizing processes हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। All living organisms, बी दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। तो चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से लेकर के, प्रोकैरियोट मतलब ये जो बैक्टीरिया है ना, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता विशेषकर, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। और यूकैरियोटिक सेल में एक सेल से लेकर के, जैसे अमीबा पैरामिशियम, ये सबसे लेकर के मल्टी सेलुलर जैसे कॉर्डेट हैं या हायर प्लांट्स हैं, वहां तक बीच के सारे एनिमल्स और प्लांट्स सभी में, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में, सब में मेटाबॉलिज्म चलता है। और मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग में चलेगा ही चलेगा, ये बात समझ लीजिए आप, नहीं तो नॉन लिविंग हो जाएगा वो। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है हमारे शरीर में, सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, सॉरी, नो लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेटाबॉलिज्म नहीं चलाते हैं, एक पत्थर में या एक लोहे में मेटाबॉलिज्म नहीं चल सकता। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अब यहां पर एक लाइन थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, है ना, कि मेटाबॉलिज्म को हम सेल के बाहर भी हम चलते हुए देख सकते हैं, है ना। सेल के अंदर तो चलते ही, सेल के बाहर भी हम आर्टिफिशियल मीडियम में मेटाबॉलिक रिएक्शन को चला के देख सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल टाइप की चीज़ें चल सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर लिविंग। इस एक विशेष पॉइंट को ध्यान रखेंगे
कि सेल के बाहर या बॉडी के बाहर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हम किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलाते हैं तो उसे ना तो हम लिविंग कहेंगे ना तो नॉन लिविंग कहेंगे, ठीक है, दोनों के किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, देखिए ध्यान रखिए यहां पर, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। अब यहां पर जरा ध्यान से समझने वाली बात है कि सेल के बाहर बॉडी के बाहर अगर हम कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चलाते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग है, टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जो रिएक्शन है वो लिविंग रिएक्शन है ना। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इन विट्रो कोई रिएक्शन चल रहा है तो ना तो वो लिविंग हुआ ना नॉन लिविंग हुआ। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है ध्यान रखेंगे फीचर लिखा है यहां पर, ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तो डिफाइनिंग फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिख रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। और अगले पॉइंट में हम देखेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये देखिए कॉन्सियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इससे पहले आप देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर, कॉन्सियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, यही तो पूछता है जी नीट में, नीट में ऐसे ही आएंगे, मतलब लाइन वाइज पूछता है ना। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है, कॉन्सियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अभी कॉन्सियसनेस क्या है इसको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से पीछे देखते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर, ठीक। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिव होता है, टेम्परेचर बढ़ा घटा है ना, वाटर मिला नहीं मिला, लाइट मिला नहीं मिला, सबके प्रति वो किसी न किसी प्रकार से रिस्पॉन्स करता है ना, ये कॉन्सियसनेस है, ये सेंस है ना। आप ये समझ रहे होंगे कि केवल इंसानों में होता है तो गलत सोच रहे हैं, इंसानों में एक जरूर यहाँ पर फीचर है, अभी बताऊँगा, सेल्फ कॉन्सियसनेस ये केवल इंसानों में है, ह्यूमन में, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का सेंस है, ठीक है। और वो सेंस जो है फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट के प्रति है। फिजिकल जैसा मैंने अभी बताया, लाइट है कि नहीं, विंड है कि नहीं, टेम्परेचर कम ज़्यादा है, ये सब फिजिकल है ना। केमिकल क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई मिनरल है ना, कोई कंपाउंड है उसके प्रति रिएक्शन है ना। और बायोलॉजिकल में कोई एजेंट है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो बायोलॉजिकल है। वी सेंस और इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गेन्स, है ना। हमारे पास सेंस ऑर्गेन जो है पांच प्रकार के मेन सेंस ऑर्गन हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है और स्किन है ना। इनके द्वारा हम बाहर के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, बाहर जो एटमॉस्फेयर है उनके स्टिमुलाय को हम रिसीव करते हैं। तो एनवायरनमेंट के जो स्टिमुलस है, सेंस है, उसको हम अपने ऑर्गन के द्वारा रिसीव करते हैं, है ना। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, है ना, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एटसेट्रा, है ना। तो यहाँ पर प्लांट्स जो हैं, कितना लाइट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, वो फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, वो सब लाइट के अकॉर्डिंग, वाटर है नहीं है उसके अकॉर्डिंग बाकी जो रिएक्शंस हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस अटैक कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विशेष पॉल्यूटेंट के प्रेजेंस में ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आप लाइकेन सुने होंगे, लाइकेन, तो लाइकेन जो है SO2 पॉल्यूशन में ग्रो ही नहीं कर पाता है। वैसे और भी कई प्लांट्स हैं जो कॉपर में या जिंक में ज़्यादा हो जाने पर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स के अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स, है ना। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये प्रोकैरियोट है,
और यूकेरियोट में बाकी सभी आते हैं, वो जो है अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन को वो रिस्पॉन्ड करते हैं। एनवायरमेंटल क्यूज मतलब वातावरण में जो प्रभाव पड़ रहा है, वातावरण का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका जो परिवर्तन है, चेंज है, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, फोटो पीरियड एफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। ये देखिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं, या तो ठंड के दिनों में फ्लावरिंग करते हैं या गर्मी के दिनों में फ्लावरिंग करते हैं। इसको फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। जो गर्मी के दिनों में फ्लावरिंग करते हैं उन्हें लॉन्ग डेज लॉन्ग डे प्लांट्स LDP कहते हैं, और जो ठंड के दिनों में फ्लावरिंग करते हैं उन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। तो लाइट का जो ड्यूरेशन है वो इफेक्ट करता है प्लांट्स के फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, सब चीज़ों में लाइट का ड्यूरेशन इफेक्ट करता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये देखिए यहाँ पर फोटो पीरियडिक इफेक्ट जो है न केवल प्लांट में बल्कि एनिमल में भी प्रभाव करता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत नहीं ज़्यादातर एनिमल्स हैं जो सीजनल ब्रीडर हैं, है ना, जो विशेष सीजन में ही ब्रीड करते हैं, और जब उनका सीजन आता है टेम्परेचर और लाइट का जो ड्यूरेशन है वो सुटेबल होता है तभी वो रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। हमारे शरीर में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में कौन सा केमिकल एंटर कर रहा है उसके प्रति तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता ही है। जैसे मान लो कोई जहर खा लेता है तो तुरंत मर जाता है, शरीर में कैसा रिएक्शन होता है ना। या फूड मटेरियल ले रहा है, या कोई दवाई ले रहा है, कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई ड्रग है, कोई नशे की चीज़ें हैं, है ना। प्लांट भी वैसे रिएक्शन करते हैं कि यूरिया दिया, DAP दिया, कोई फॉस्फेट वाला खाद दिया, फर्टिलाइज़र दिया, इंसेक्टिसाइड दिया, हर चीज़ को रिएक्ट करता है प्लांट भी, है ना। तो केमिकल्स को हम रिएक्ट करते हैं, केमिकल्स के प्रति हम लोग रिएक्शन देते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। तो हमारा शरीर जो है हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं, जो परिवर्तन हैं, उसके प्रति सचेत रहता है, और जैसे कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंज आता है हमारे वातावरण में, एनवायरमेंट में, उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करता है, है ना, वो चेंज करता है अपने आप को। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियस। अब यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं अपन कि केवल मानव में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में है ना। तो ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में जानकारी रखता है कि अभी जो है टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमको क्या करना है, टेम्परेचर अधिक हो रहा है तो हमको क्या करना है, है ना। ये चीज़ें ह्यूमन ही समझ सकता है, या हमको खाना कैसा खाना है, मतलब पीना कैसा है, ये सब चीज़ों को सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अपने बारे में समझता है वो कि हमको क्या करना है। ये केवल ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, है ना। तो कॉन्शियसनेस इज देयर फॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, इससे पहले हमने जो पढ़ा था ये देख सकते हैं आप कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर, और यहाँ पर हमने पढ़ा कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग यहाँ पर NCERT करता है, और बस इन्हीं से क्वेश्चन निकालते हैं भाई ये लोग, है ना, जो नीट का पेपर छाटते हैं वो लोग इन्हीं सब चीज़ों से अपने क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो आप जरा इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, है ना, कि कैसा होता है। हम क्वेश्चनेयर भी करने वाले हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, कुछ चैप्टर्स और हो जाए तो हम चैप्टर वाइज भी क्वेश्चनेयर निकालेंगे, इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे NCERT बेस्ड पूरे, है ना। तो आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, मतलब पूरी PMT जो है बायो की वो तैयार हो जाएगी, PMT है ना बायो में वो तैयार हो जाएगी आपकी। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। ठीक है, जब मानव की बात आती है तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जो कोमा में चले जाते हैं। अब कोमा में चला गया, ब्रेन डेड हो गया, लेकिन बॉडी जिंदा है, जैसे भी लाइफ सपोर्ट से जिंदा रखे हैं, अब उनको जिंदा कहेंगे कि मरा हुआ कहेंगे। ऐसी चीज़ों में डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि हम उसको लिविंग कहें कि नॉन लिविंग कहें। ये देखिए, वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन द कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग। अभी पैसे वाले लोग हैं, मान लो हॉस्पिटल में जिंदा रखना चाहते हैं, वेंटिलेटर में लगाए हुए हैं, कोमा में है व्यक्ति, कई महीने कई साल से कोमा में हो सकता है वो, है ना। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। ये देखिए, उसका ब्रेन डेड हो चुका है,
वो वापस जिंदा होके लौटने वाला नहीं है, लेकिन लाइफ सपोर्ट में हम जिंदा रखे हैं। कुछ फिल्मों में भी ऐसा दिखाया है कि कोमा में है, डॉक्टर ने कह दिया कि वापस नहीं आएगा, हालांकि उस फिल्म में दिखाया गया है कि वो वापस आ जाता है कुछ कारणों से, लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली। मतलब अगर ब्रेन डेड है ना, तो ब्रेन वापस लिविंग नहीं हो पाता है, है ना। हाँ, अगर ब्रेन जिंदा है, किसी कारण से उसका कॉन्शियसनेस थोड़ा लूज हो गया है, वो बेहोश है, तो वो वापस आ सकता है, लेकिन ब्रेन डेड जो कोमा में है वो वापस नहीं आता है। ठीक है, द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। अब हम इसको क्या बोलेंगे, जो कोमा में है बेचारा उसको हम जिंदा बोलेंगे कि मरा हुआ बोलेंगे, दिक्कत ये है ना। इसलिए जो ह्यूमन बीइंग है उसमें लिविंग स्टेट को डिफाइन करना थोड़ा ऐसे कंडीशन में मुश्किल हो जाता है ना। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। अब देखते हैं कि और क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे, है ना। ये तो हायर क्लासेस में और आगे पढ़ोगे बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम अब क्या देखते हैं। देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट ए राइज इज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रेक्शंस एमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। देखिए, अब हम एक टिश्यू की बात करें। एक टिश्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सेल्स के कारण से होता है, ठीक है। सेल्स आपस में मिले हैं, टिश्यू बनाया है, इसलिए टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप हुआ। लेकिन टिश्यू में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो चीज़ें सेल्स में सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। मतलब सेल्स मिलके जब काम करते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कर पाते हैं टिश्यूज में, ये कह रहा है ये। तो टिश्यू की सारी प्रॉपर्टीज आपको सेल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस एमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, क्रेब्स साइकिल ये सब चला रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जिन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, अगर हम उनको अलग अलग कर दें मॉलिक्यूल्स को, तो क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल से मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया बना है, वही मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी, लेकिन मॉलिक्यूल को अलग अलग कर देने से वो काम नहीं हो पाएगा। मतलब हर मॉलिक्यूल काम नहीं कर सकता। तो कुल मिला के ये है कि जब ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कंडीशन में होती हैं, सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं, या फिर जो मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनाइज होकर कोई सेल ऑर्गेनेल बनाते हैं तो वो अलग काम कर पाते हैं। मतलब उनको अलग अलग कर देंगे मॉलिक्यूल्स को या सेल्स को तो काम नहीं कर पाएंगे, ये कहना है इसका, ठीक है। दीज इंट्रैक्शंस रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, तो जब हायर लेवल में आप जाते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, तो दीज इंट्रैक्शंस रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जैसे हम हायर लेवल में जाते हैं ये प्रॉपर्टीज बढ़ते जाते हैं। दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। तो देखिए, हायरार्की का मतलब होता है क्रम, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे आप सेल को मिलाए तो टिश्यू बना, टिश्यू को मिलाएंगे तो ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन को मिलाएंगे तो ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम्स को मिलाएंगे तो बॉडी बनेगी, है ना। सेल के और नीचे जाएंगे तो सेल ऑर्गेनेल रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल से नीचे जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स से नीचे जाएंगे तो एटम्स रहते हैं, एटम्स के नीचे जाएंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। मतलब एक हायरार्की है, हायरार्की का मतलब एक क्रम होता है कि एटम मॉलिक्यूल से लेकर के पूरा ऊपर तक जाएंगे तो पूरी बॉडी तक हम जाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं हायरार्की में, वैसे वैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, और वो काम ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है, है ना। देयरफोर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब देखिए क्या लिख रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब अपनी कॉपी तैयार कर सकते हैं भाई, चाहे वो रिप्रोडक्शन से करते हों या डिविजन से करते हों या कुछ भी करते हों, लेकिन वो अपने जैसी कॉपी को करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। इवॉल्विंग, इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन, मतलब अपने आप को ग्रो करना, मतलब लगातार इवोल्यूशन हो रहा है। एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी स्पीसीज लगातार बदलते जाती है, और कुछ कुछ वर्षों में, कुछ सैकड़ों में, कुछ हज़ारों में, कुछ और में, जल्दी या कम में, कम ज़्यादा में वो चेंज हो जाते हैं, और चेंज होकर नई स्पीसीज बनते हैं, वो इवोल्यूशन है। सेल्फ रेगुलेटिंग,
मतलब अपने आप को रेगुलेट करते हैं, जैसे हमारी बॉडी अपने आप को रेगुलेट कर रही है, सेल अपने आप को रेगुलेट कर रही है ना। इंटरैक्टिव सिस्टम, इंटरैक्टिव का मतलब है इंटरेक्शन चल रहा है एक दूसरे के साथ, है ना। सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ टिश्यू में, टिश्यू एक दूसरे के साथ ऑर्गेन में, ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम में, ऑर्गेन सिस्टम पूरी बॉडी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हम बाहरी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ठंड लग रही, गर्मी लग रही, गर्म छू दिया, ठंडा छू दिया, है ना, या कोई केमिकल टच में आ गया या खा दिया, मतलब जो भी हुआ, तो हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई के को रिस्पॉन्ड करते हैं कि कैसा लग रहा है हमको, ठंड लग रही, गर्मी लग रही, ये सब रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, है ना। तो बायोलॉजी में हम पूरी धरती में जीवन कैसे चल रहा है इसको ही हम समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, जमीन में, धरती में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुए, है ना, कहाँ से डेवलप हुए, क्या ये शुरू से ऐसे थे या मॉलिक्यूल के ऑर्गेनाइजेशन के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, इन सब चीज़ों को हमको समझना है, है ना। समझते ही हैं कुछ हद तक कि भाई पहले मॉलिक्यूल्स मिले, तो धीरे धीरे सेल बना, सेल से प्रोकैरियोटिक बने, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने, फिर वो कॉम्प्लेक्स होते चले गए। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, इन चीज़ों को हम बायोलॉजी में समझने की कोशिश करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए, चाहे वो धरती में पहले थे, जो ऑर्गेनिज्म पहले थे आज नहीं है उनको ले लो, आज जो है उनको ले लो, और फ्यूचर में जो होंगे उनको ले लो, इन सब में अगर हम एक चीज़ जो कॉमन देखते हैं वो कम से कम एक जेनेटिक मटेरियल तो है जो कॉमन रहेगा, है ना। आज भी जो डीएनए है, कल भी जो डीएनए था और कल भी जो डीएनए रहेगा, वो सारी चीज़ें, सारे डीएनए आरएनए इन ऑर्गेनिजम्स में एक जैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, वो सभी न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, वो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल से ही बने हैं, मतलब उनमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, तो वो आपस में लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। बट टू वेरिंग डिग्री, मतलब कितना कि मतलब कुछ में जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा सिमिलर है, कुछ में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मानव है तो मानव का गोरिल्ला के साथ 99% मैच करता है, लेकिन अगर आप एक कुत्ते से मैच करोगे तो वो कम मैच करेगा ना, लेकिन डीएनए मैच तो करेगा, कुछ ना कुछ तो मैच करता ही है। चाहे आप अमीबा से लेकर के पैरामीशियम से लेकर मानव का कहीं से भी मैच कराएंगे तो कुछ ना कुछ परसेंट आपका डीएनए उनके साथ मैच करेगा। तो ये कॉमन जो जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर है वो सब में मैच करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे अपन। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ रहा है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि पूरी दुनिया में कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कितने प्रकार के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना ये कहलाता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ कितने क्या हैं। तो एक रॉबर्ट मे, एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट मे, उन्होंने बताया कि करीब 7 मिलियंस, है ना, 7 मिलियंस यानी करीब करीब 70 लाख स्पीसीज धरती में है, ऐसा उन्होंने अंदाज लगाया, 70 लाख, है ना, ये धरती में है ऐसा अंदाज लगाया। और आज तक हम लोग 1.7 मिलियंस यानी करीब करीब 17-18 लाख एनिमल्स और प्लांट्स को मिला के हम डिस्कवर कर चुके हैं, और इनमें से जो डिस्कवर किए हैं इसमें 70% एनिमल है और 30% प्लांट है, और जितने एनिमल हैं उनमें 70% इंसेक्ट हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बताता हूँ कि 70 लाख स्पीसीज धरती में है ऐसा अंदाज है लोगों का, उसमें 17-18 लाख के आसपास को हम खोज चुके हैं, हर साल 4-5 हज़ार नए स्पीसीज खोजते हैं, 17-18 लाख जितने भी खोजे हैं उसका 70% यानी करीब 12-13 लाख के आसपास केवल एनिमल है, बाकी प्लांट है, मतलब प्लांट कम है एनिमल ज़्यादा है, प्लांट केवल 30% है टाइप्स और एनिमल के करीब 70% है। और जो टोटल एनिमल्स हैं, मान लो 100 टाइप के एनिमल हैं, उसमें 70 प्रकार के 70 टाइप के जो परसेंट हैं वो केवल इंसेक्ट हैं। आज तक केवल इंसेक्ट का ही हम लोग 10 लाख 25 हज़ार स्पीसीज, हम 10 लाख स्पीसीज खोज चुके हैं, है ना। वैसे तो इनमें जो आपके सिलेबस है इसमें करीब 7 लाख लिखा रहता है, लेकिन अभी तक हमने 10 लाख हमने खोज चुका है इंसेक्ट को, है ना। इंसेक्ट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल है धरती पे। तो अब फिर भी आप इसमें क्या लिखा है अपन पढ़ सकते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। If you look around you, will see a large variety of living organisms, be it potted plants. अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपको दिखते हैं, आपने देखा कि आपने गमले में प्लांट्स लगा रखे हैं, बहुत सारे प्रकार के इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, हमने जो पाले हुए हैं पेट्स
उन वो हो सकते हैं या दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स आप अपने आसपास देखते हो, है ना। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। हम ऐसी चीज़ों को नहीं देख सकते, वो भी हमारे आसपास है। जैसे हम बैक्टीरिया को नहीं देख पाते, है ना, वायरस को नहीं देख पाते, अमीबा पैरामीशियम जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं देख पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं बिना माइक्रोस्कोप के, लेकिन वो हमारे आसपास हैं। ठीक है, इफ यू वेयर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन इट द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। अब देखिए, जितने जगह को हम जनरली देखते हैं, अगर उस एरिया को हम बड़ा करें, हम ज़्यादा आसपास के एरिया को जाकर के दूर दराज में देखें, तो हम ज़्यादा टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हम तब देखेंगे जब हम घने जंगल में चले जाएं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, जो हमेशा पानी बारिश होते रहता है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे अमेजान के जंगल हैं, ऐसे जंगलों में हम चले जाएं तो सबसे ज़्यादा प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हमको दिखेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, ये देखिए, एक घने जंगल में हम चल जाते हैं, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट। घने जंगलों में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। जितने भी प्रकार के आपने देखे, आपने मैंगो देखा, आपने लीची देखा, आपने मटर देखा, आपने सरसों देखा, आपने एक इंसेक्ट को देखा, आपने गाय को देखा, बकरी को देखा, भेड़ को देखा, सब एक स्पीसीज, एक एक स्पीसीज है ना, एक अलग प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जो भी, वो एक स्पीसीज है कोई सभी। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंजेस बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियंस। ये देखिए, हमने कितने को खोजा अभी बताया था मैंने आपको, 17-18 लाख के आसपास को डिस्कवर किया है। देखिए, आ गया ना, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन मतलब 17-18 लाख ऑर्गेनिजम्स हम लोग खोजे हैं। दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, है ना। तो ये धरती में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का प्रकार है, इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. हम नए एरिया में या इवन पुराने एरिया में भी खोजते हैं तो भी हमको तरह तरह के नए प्रकार के ऑर्गेनिजम्स मिलते जाते हैं। मैंने बताया ना कि हर साल हम लोग करीब 4,000 to 5,000 नए ऑर्गेनिज्म खोज लेते हैं हमेशा। ये जो डेटा है इसमें हर साल इंक्रीज हो रहा है, है ना, 4,000 to 5,000 नए ऑर्गेनिज्म हमेशा खोज लेते हैं नए एरिया में, पुराने एरिया में जाके जैसे ही हम सर्च करते हैं, है ना। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो रॉबर्ट मेयर ने बताया कि करीब 70 लाख स्पीसीज हैं, है ना, पूरे धरती में। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को अपने अपने हिसाब से नाम देते हैं। हालांकि एक लैंग्वेज में जो नाम है वो लगभग सभी एरिया में उसी लैंग्वेज में उसी नाम से जाना जाता है, लेकिन जैसे ही लैंग्वेज चेंज होता है वो नाम बदल जाता है, है ना, दिक्कत ये है ना। दीज लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे हम दूसरे जगह जाते हैं उसका नाम बदल जाता है, इवन विद इन ए कंट्री, है ना, एक ही देश के अंदर। अब हमारे ही देश में आप कहेंगे भारत में, तो करीब 23-24 प्रकार की तो भाषाएँ हैं अलग अलग, जो हमारे अनुसूची में शामिल है, अनुसूची 8 में, है ना, संविधान में। और बोलियां कहेंगे तो एक एक भाषा में पता नहीं कितनी बोलियां हैं, देर आर थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यू कैन से स्पीकिंग इन द इंडिया। और हर प्रकार के भाषा में किसी जीव जंतु को अलग नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप एक भाषा में किसी को कुत्ते के नाम से जानते हो और दूसरे भाषा में उसको दूसरे नाम से जानते हो, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वे एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रिफर टू द ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। अब आप
किसी चीज़ को कुत्ते के नाम से जानते हो लेकिन दूसरा लैंग्वेज वाला उसको दूसरे नाम से जानता है, अब आप उससे कुत्ते के बारे में कुछ बात करना चाहते हो तो आप कैसे बात करोगे? वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप किस एनिमल के बारे में बात कर रहे हो। दिक्कत ये है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए हमने साइंटिफिक नेम्स बनाना चालू किया, है ना। प्लांट का बॉटनिकल नेम कहा जाता है और एनिमल का जूलॉजिकल नेम कहा जाता है। तो उनके जूलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम प्लांट एनिमल्स के हम लोग लिखते हैं और नाम डिसाइड करते हैं। तो ये जो नाम है ये पूरे हर वर्ल्ड में, हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है। जैसे मान लो आप कुत्ते को कैनिस फैमिलियारिस के नाम से जानते हो, ये उसका जूलॉजिकल नेम है, कैनिस फैमिलियारिस। तो आप भारत में रहो, लंदन में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, रूस में, ब्रिटेन, कहीं भी आप चले जाओ, आपने जैसे ही कहा कैनिस फैमिलियारिस, तो कोई भी बायोलॉजिस्ट है, चाहे वो चीनी भाषा वाला हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो रशियन हो, अमेरिकन हो, वो कैनिस फैमिलियारिस बोलते ही समझ जाएगा कि ये कुत्ते के बारे में बात कर रहा है। तो ये साइंटिफिक नेम्स देने का एडवांटेज है। हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो पूरे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाएगा, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो यही तो हम करते हैं ना, साइंटिफिक नेम का मतलब क्या है, नोमेनक्लेचर करना। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू इट, है ना। टू मतलब किस ऑर्गेनिज्म से अटैच नाम है। जैसे कैनिस फैमिलियारिस हमने कहा, हमको मालूम तो होना चाहिए ना कि कुत्ते से संबंधित चीज़ है ना। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, और हम उस कुत्ते को पहचानना जानते हो। मान लो मैंने आपको कहा पाइसम से टाइबम, पाइसम से टाइबम कह दिया। अब मान लो पाइसम से टाइबम आप जानते हो कि हाँ ये मटर के बारे में बात कर रहा है, तो मटर को पहचानना भी तो आना चाहिए ना। तो उसको पहचानने की प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम पहचान सकते हैं अगर हम उसके बारे में स्टडी किए हुए हैं तो। ठीक है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। अब इसके लिए कमिटी बनाई गई है ना, जूलॉजिकल नेम के लिए, बॉटनिकल नेम के लिए, है ना, बैक्टीरिया के नाम के लिए, माइक्रोबायोलॉजी में हर चीज़ के लिए कमिटी बनाई गई है। और वो कमिटी डिसाइड करती है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए। उस पर बहुत स्टडी की जाती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को निकाला जाता है, देखा जाता है। तो बहुत सब चीज़ों में जानकारी लेने के बाद उसका साइंटिफिक नेम आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन किया जाता है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उन्होंने अगर डिसाइड कर दिया कि अब इसका नाम फेलिस डोमेस्टिका है, बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिका, तो अब पूरी दुनिया उस नाम को एक्सेप्ट करती है। सारे बायोलॉजिस्ट जानते हैं कि अब फेलिस डोमेस्टिका इज द नेम ऑफ कैट, है ना, ऐसा है। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये देखिए ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो जो कमिटी है उसने कुछ नियम कानून बना दिए हैं कि हम प्लांट का नाम इन नियमों के आधार पर रखेंगे, है ना, या जूलॉजी में एनिमल का नाम हम इस आधार पर रखेंगे। तो वही है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और वैसे ही है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो एनिमल्स के नाम को भी हम इसी तरह से डिसाइड करते हैं, कुछ नियम कानूनों के अंदर रख करके हम उनके नाम डिसाइड करेंगे, ऐसा है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अब एक ऑर्गेनिज्म का हम एक ही नाम रखेंगे। जैसे हमने कैट का नाम फेलिस डोमेस्टिका रख दिया तो अब वो नाम फिक्स हो गया। अब ऐसा नहीं है कि कोई ये बायोलॉजिस्ट है तो ये उसका दूसरा नाम रख देगा, वो बायोलॉजिस्ट दूसरा नाम रख देगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक नाम बस, उसके अलावा दूसरा नाम नहीं रहेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। तो अब ये जो है एक ही नाम डिसाइड कर दिया गया किसी ऑर्गेनिज्म का। अगर हमने कहा कि ये साइडियम ग्वाजुआ है तो वो बिही अमरूद का नाम फिक्स हो गया, अब वो कहीं पर भी उसी नाम से जाना जाएगा। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। अब हमने मान लो डिस्क्राइब कर दिया कि फेलिस डोमेस्टिका कैट का नाम है, तो अब कोई चाहे तो कुत्ते को फेलिस डोमेस्टिका नहीं कह सकता, उसका नाम कैनिस फैमिलियारिस है। या वैसे ही अब कैनिस फैमिलियारिस कुत्ते को कह दिया तब टाइगर को नहीं कह सकते, टाइगर का नाम
पेंथेरा टाइग्रिस, वो नाम फिक्स हो गया। तो जिसको जो नाम दे दिया गया वो नाम उसके लिए फिक्स हो गया और वो उसी नाम से जाना जाएगा, दूसरे को उस नाम से नहीं जाना जाएगा और उस ऑर्गेनिज्म को भी दूसरे नाम से नहीं जाना जाएगा, है ना। तो ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं साइंटिफिक नेम के लिए। बायोलॉजिस्ट्स फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, मैंने बताया अभी, उसको फॉलो करके हम नाम लिखते हैं। तो जो साइंटिफिक नेम है उसके दो कंपोनेंट हैं, है ना, द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ये देखिए, अब यहाँ पर आप एक विशेष बात को देखिए, जैसे हमने कहा फेलिस डोमेस्टिका, है ना, फेलिस डोमेस्टिका ये नाम हमने रख दिया, ये बिल्ली का नाम है, चलो, है ना, कैट का नाम है। तो ये जो पहला नाम है ये हुआ जीनस का नाम, जेनरिक नेम मतलब नेम ऑफ जीनस, जीनस इज द सिंगुलर फॉर्म, जेनेरा इज द प्लूरल फॉर्म। तो जेनरिक नेम मतलब जीनस का या जेनेरा का नाम जो है वो जेनरिक नेम हुआ। एंड स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है पार्टिकुलर, स्पेशल, है ना। जैसे फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का स्पेशल नाम, जीनस का स्पेशल नाम डोमेस्टिका, फेलिस का नाम डोमेस्टिका स्पेसीज। तो अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि जेनरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट होता है। इसको पूछा गया है, पूछा जाएगा, हो सकता है नीट में नहीं पूछा है लेकिन दूसरे किसी पीएमटी में पहले पूछा गया है कि किसमें हम एपिथेट लगाते हैं, जेनरिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, क्लास एपिथेट, ऑर्डर, ऐसा। तो है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट में हम एपिथेट शब्द स्पीसीज में लगाते हैं, मतलब दो पार्ट का बना हुआ, जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हालांकि आजकल बाइनोमियल तो सबसे ज़्यादा चलता ही है लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का नाम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी रखा जाता है। जैसे कि हम लोग का नाम है होमो सेपियंस सेपियंस, पूरा नाम है, शायद ये कमी लोगों को पता रहता है कि मॉडर्न मैन का नाम होमो सेपियंस सेपियंस है, क्योंकि हमसे पहले 40,000 साल पहले जो मानव था, ह्यूमन था, वो था क्रोमेग्नान, और क्रोमेग्नान का नाम था होमो सेपियंस फॉसिलिस, और उससे पहले था नियंडरथल, उसका नाम था होमो सेपियंस नियंडरथेलेंसिस। मतलब होमो सेपियंस में तीन हो गए, होमो सेपियंस नियंडरथेलेंसिस, फॉसिलिस और सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस फॉसिलिस, होमो सेपियंस नियंडरथेलेंसिस, इसलिए होमो सेपियंस कह देंगे पर्याप्त नहीं है। वैसे ही ब्रेसिका ओलेरेशिया गोभी है, तो ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, वेराइटी बोट्राइटिस, वेराइटी जोंजुलाडिस, ये आपका बंद गोभी यानी पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी, तीन प्रकार का गोभी आता है। तो तीनों का नाम है ब्रेसिकोलरेशिया, लेकिन वेराइटी कैपिटाटा, बोट्राइटिस और जोंजुलाडिस, जिसको कालरापा भी कहते हैं, गांठ गोभी। तो बाइनोमियल तो कॉमन है, जैसे फेलिस डोमेस्टिका हमने कह दिया तो बिल्ली हो गई वो, ठीक है, लेकिन हर जगह केवल बाइनोमियल से काम नहीं चलता, कहीं कहीं पर ट्राइनोमियल भी हमको रखना पड़ता है। हालांकि देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक साइंटिस्ट ने जो दिया था सबसे पहले, उसका नाम था गैस्पर्ड बोहिन, गैस्पर्ड बोहिन ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी पाइनेक्स थिएटर बॉटिनिका, फंगस पे लिखी गई एक बुक थी पाइनेक्स थिएटर बॉटिनिका, उस पर गैस्पर्ड बोहिन ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उन व्यक्ति को इसका क्रेडिट नहीं देते हैं, इसका ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है कैरोलस लिनियस को कि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को चालू किया था। ये देखिए, दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कैरोलस लिनियस को क्रेडिट दी जाती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को शुरू करने का, और पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट जो है इसको फॉलो करते हैं, ये बोल रहा है ये। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ल्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ये नामेनक्लेचर है, जैसे फेलिस डोमेस्टिका एक जीनस का नाम, एक स्पीसीज का नाम।
Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. अब हम एक मैंगो का नाम लिख के देखते हैं. तो मैंगो का नाम जो है मेंजीफेरा इंडिका है, ठीक है. तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है. तो इसमें जो मेंजीफेरा शब्द है वो जीनस को बिलोंग करता है, जीनस को डिनोट करता है, जबकि इंडिका जो है इसकी स्पीसीज को बताता है. मेंजीफेरा इंडिका जीनस और स्पीसीज है ना, ऐसा है. तो स्पीसीज को स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था. तो अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल बनाए गए हैं यूनिवर्सली, इसको आप देख लेते हैं फटाफट फटाफट है ना. तो पहला है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. ज्यादातर जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो लैटिन से लिया गया है. लैटिन और ग्रीक दो डेड लैंग्वेजेस हैं जो आजकल यूज नहीं होते, लेकिन साइंटिफिक नेम आज भी उनमें से लिए जाते हैं क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा है ना, इसलिए उनमें से लिया जाता है ना. द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड वर्ड डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. अभी हमने बात किया पहला जीनस दूसरा स्पीसीज है ना. बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन. तो या तो हम हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे, और अगर हम टाइप करते हैं तो इटैलिक्स में टाइप करते हैं है ना. इटैलिक्स क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे तिरछा टाइप का जो लिखा होता है, जैसे आप देखिए कि मेंजीफेरा इंडिका जो है थोड़ा सा ऐसे 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 थोड़ा सा टिल्टेड टाइप का है, तो इसे हम इटैलिक्स कहते हैं. वो जो टाइपिंग जानते हैं कंप्यूटर जानते हैं, उन लोग जानते हैं इटैलिक्स क्या है ना. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंजीफेरा इंडिका लिखे हैं, ये एम जो है कैपिटल में लिखा है जबकि इंडिका का आई जो है स्मॉल लेटर में है, तो इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मेंजीफेरा इंडिका. ये भी हमने देखा आपने कि एम और आई, ये छोटा और बड़ा है, ये बड़ा है मतलब कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, ठीक है. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, और आखिरी में हम ऑथर का नेम लिख देते हैं. जैसे देखिए, हमने लिखा मेंजीफेरा इंडिका और आखिरी में लिखा लीनियस, एल आई एन एन, शॉर्ट में लिखते हैं उसको ब्रीफ में. तो इसका मतलब यह हो कि मेंजीफेरा इंडिका जो नाम है वो लीनियस ने दिया था, इसका सीधा मतलब यह है. इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लीनियस, ठीक है, ठीक है. अब यहां पर जो बाकी चीजें हैं है ना, बहुत सारी और बातें हैं अभी इसमें करनी है ना. तो चूंकि एक वीडियो में 45 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होता है ना, तो हम इस चीज़ को अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना, कि आगे हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं है ना. तो क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि सभी जीवों का हम अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते, तो हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं जिससे एक एक क्लास का एक एक टेक्सोन का हम एक साथ स्टडी कर सके, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन करते हैं. तो अब क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मित्रों, और अब इसमें इतना ही पढ़ते हैं, और आप कंटिन्यू मेरे चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब कर लें कृपया है ना, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें जिससे मुझे पता चले कि आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ना, और कोई कमी लगे तो आप ज़रूर मुझे बताया करें है ना, और अच्छा लगे तो भी एक बार आप जरूर बता दें कृपया है ना. तो थैंक यू है, गुड नाइट है, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, गुड बाय.